न्यूज हिंदी। उसी दिनों पहले सोशल मीडिया पर मालवीय गेट नंबर 6 के ड्रेस का वीडियो वायरल हुआ। मगर 2011 की हम बात करें तो नव युवक फाउंडेशन ने नशा मुक्ति का अभियान पूरे मुंबई शहर में चलाया था। मालवीय से लेकर आजाद मैदान तक नव युवक के संस्थापक अध्यक्ष इरफान शेख ने ये मोर्चे का संचालन किया था। मगर संचालन करने के बाद 11-12 साल के बाद भी मुंबई में नशा फैल चुका। इस वक्त हमारे साथ इरफान शेख जी आए, उनसे जानते हैं। इरफान जी, नशा 12 साल के बाद भी फैल चुका है। लास्ट टाइम पे आदर पवार जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने आपको सम्मानित किया था, लेटर दिया था। क्या रहता है मुंबई में नशा अभी भी फैल चुका है, उसके पीछे का क्या राज है, क्यों नशे के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे? नवयुग फाउंडेशन ने सन 2011 में मुंबई नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की थी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में नवयुग फाउंडेशन ने पदयात्रा का जो आयोजन किया था मानवनी से लेकर आजाद मैदान तक। और हम जब आजाद मैदान पहुंचे थे तो आरएल पाटिल जो एक गृह मंत्री है, उनने हमें सम्मानित किया था कि आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं और आप जैसे युवाओं की मुंबई शहर को ज़रूरत है, जो इस नशे को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस टाइम में काफ़ी बड़े पैमाने पर मुंबई में नशा को ख़त्म करने के जो अभियान शुरू किया था नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने, मुंबई पुलिस ने, हम उसको उनका आभार मानते हैं। बट जैसे टाइम गुजरते गया तो ये नशे की जो रफ्तार है और बढ़ती गई, एनडी, वाइट क्रिस्टल, मैथ, और आज के दौर में मुंबई शहर में इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े अभिनेता से लेकर बड़े बड़े सोशल वर्कर तक के इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि मुंबई पुलिस कहीं जाकर थोड़ा सा बैकवर्ड पे आ चुकी है और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जितना उनको पावर दिया गया है उतना वो यूज़ करते हैं। बट कहीं जाके लोकल पुलिस का भी इसमें जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में बिक रहे नशे के कारोबार को उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द खत्म करें और नशा बेच रहे व्यापारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पब्लिक इन नशोड़ियों से और इस जो ड्रग्स के माफियाओं से इतनी बेजार चुकी है कि उनका जीना दुश्वार हो चुका है। मालवनी क्षेत्र में नहीं, मुंबई, मीरा रोड, नाला सुपारा, मुमड़ा, माइन, धारावी, डोंगरी, मुंबई के कई स्लम एरियो में से लेकर हाई पोस्ट एरिया तक के ये ड्रग्स फैल चुका है। आज कॉलेजेस में, डिस्को में, पब्स में, हुक्का पार्लर में ये नशा बड़ी तेजी से फैल रहा है। हमने अपना अभियान को 2011 से लेकर 2021 तक के कंटिन्यू रखा है और अभी भी हम इस नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हर जगह हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग के एक्टिव मेम्बर्स इस नशे को जिधर भी बिक्री होती है उधर पर जाके हम लोग स्टीम ऑपरेशन करते हैं, उधर की नियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, फिर वो पुलिस जैसे नशोड़ियों को, जैसे लोकल नशोड़ियों को पकड़ दिए। बाकी जो मेन टारगेट जो मुंबई में जो सप्लाई कर रहा है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। वजह कि अभी भी नशा बड़ी तेजी से मुंबई में फैला। आप जैसे आप बता रहे थे मालवनी 6 नंबर पे पप्पू नाम का कोई आदमी ड्रग्स बेचते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है, तो ये पहला नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो कांडली नार्कोटिक्स सेल ने काफ़ी हद तक के मुंबई मालवनी में कई ड्रग्स माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करी है। बाकी अभी ड्रग्स माफिया बढ़ते जा रहे हैं तो हमको ये ड्रग्स माफिया बढ़ना नहीं, जो ड्रग्स माफिया को बढ़ा रहे हैं हमको उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। आने वाले दिनों में किस तरह से तीव्र आंदोलन होगा नशे को लेकर आपके संस्था के माध्यम से? हम लोग महाराष्ट्र सरकार को एक निवेदन वाला पत्र लिखे है और इंशाल्लाह हम लोग आगे इसके खिलाफ बड़ा मुहिम चलाने वाले हैं। क्योंकि कोई की जो महामारी मुंबई जेल है, मुंबई का जो जेल है, हम उसमें नहीं चाहते कि मुंबई पुलिस और सरकार को इसके खिलाफ हम लोग कोई अभियान शुरू करके उनको मतलब वक्त उनका काटे। तो इसके लिए नवयुग फाउंडेशन अपने वक्त का इंतजार कर रही है। बाकी मैं आप सभी लोग की आपके चैनल के बीच न्यूज़ के माध्यम से ये मुंबईकर्स को, मुंबई पुलिस और नार्कोटिक्स सेल से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जहरीले ड्रग्स और कारोबार को रोकने में हमारी मदद करें और अपने लेवल पे जहाँ तक ये हो सके इसको जल्द से जल्द खत्म करें। क्योंकि ये जो नशा है, ये जहर है, ये नई पीढ़ी को खत्म कर रहा है। पहले ऐसा था कि मतलब ज्यादा उम्र के लोग इसको नशा करते थे, अब तो आप देखोगे 12-13 साल के थीनर, मैक, वाइट क्रिस्टल, अलग अलग किस्म के नशे मार्केट में फैलते जा रहे हैं और युवाओं की नशा खत्म करते जा रही है। तो सरकार को इस विषय के ऊपर गंभीर तरह से कोई डिसीजन लेना चाहिए और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस को सतर्क होना चाहिए कि स्पेशल जैसे नार्कोटिक्स सेल बनाए तो अपने एरिया में भी जो मुंबई पुलिस जो डिपार्टमेंट है, नार्कोटिक्स सेल डिपार्टमेंट है, वो उनके अधिकारियों को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि ड्रग्स को जल्द से जल्द खत्म करें, इसको बढ़ने नहीं दिया जाए। क्योंकि जो परसेंटेज जो बढ़ते जा रही है 2015-2016 के मुकाबले में अब की बार जो नशे की जो रफ्तार है काफ़ी बढ़ चुकी है।
मतलब मुंबई में नशा करने वाले की बढ़ोतरी हो चुकी है, आप ऐसा भी कह सकते हो, और मुंबई में अभी हर जगह नशा बिक रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी हम लोग सरकार से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग अगर सरकार इस पर अगर कोई कड़ा कानून नहीं उठाती है, कदम नहीं उठाती है, तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फिर हम लोग अपनी हमारी जो पूरी टीम है, नॉलेज फाउंडेशन की जो टीम है, वो फिर रोड पर आएगी अब मुंबई कर्सलों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उन माँ बापों के लिए जो ये नशे से जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ये सरकार को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस नशे के कारोबार को जल्द से जल्द खत्म करें, और ये जो ड्रग्स माफिया है इनको कड़ी से कड़ी सजा देकर इनको शहर से बाहर भगाए या उनको हवालात के पीछे डालें। खाना का नवयुग फाउंडेशन के संस्थाएं वो ड्रग्स माफियाओं को खाना का सवाल के पीछे डालने के लिए सरकार से रिपोर्ट करेगी, और आने वाले दिनों में ये सरकार कब जागरूक होगी और नशे कारोबार को कब सरकार को पीछे डालेगी, ये देखने की बात होगी। इस मुंबई से संतोष के साथ सुरेश वाडकर, बिजनेस हिंदी, मुंबई।